जय माता दी। दोस्तों इस दीपावली पर माता लक्ष्मी आपके घर आई है या नहीं आई है, कैसे आप जान पाएंगे, कैसे ये पहचान पाएंगे, तो इसके बारे में ही ये स्पेशल वीडियो हम आप लोगों की फरमाइश पर ही लेकर आए हैं। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं उन सभी लक्षणों के बारे में, उन सभी संकेतों के बारे में, जिससे आप जान पाएंगे कि माता लक्ष्मी इस दिवाली पर आपकी पूजा से, आपकी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर आपके घर में आ चुकी हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं आपके घर में उनका प्रवेश हुआ है या नहीं। दोस्तों सनातन धर्म के प्रमुख त्योहारों में से दीपावली का त्योहार मुख्य पर्व माना जाता है, जो कि कार्तिक महीने की अमावस्या की रात में मनाया जाता है। वहीं दिवाली की शाम यानी रात को स्थिर लगन और शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना होती है। ऐसे में इस वर्ष यानी कि 2022 में दिवाली 24 अक्टूबर सोमवार को मनाई जाएगी, क्योंकि दोस्तों आज यानी 25 अक्टूबर को ग्रहण, जो कि बहुत ही बड़ा सूर्य ग्रहण आज लग रहा है, तो इस वजह से ये जो दीपावली है 24 अक्टूबर को ही मनाई गई है। और दोस्तों सनातन धर्म के अनुसार देवी माता लक्ष्मी को धन धान्य की देवी माना गया है। माना जाता है कि दिवाली की रात को जिनके भी घर लक्ष्मी माता ठहरते हैं, उनके घर पर धन धान्य की खूब वर्षा होती है। उनके घर में सुख वैभव की कभी कोई कमी नहीं होती है। सुख संपदा का उनके घर में वास रहता है और लक्ष्मी का प्रकाश रहता है। लेकिन दिक्कत ये है कि देवी माता आपके घर में आई है या नहीं, इसे कैसे पहचाना जाए। तो इस संबंध में माना जाता है कि जिस घर में देवी माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है, वहाँ पर कुछ विशेष संकेत मिलते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते। समय पर हम देवी माता की पूर्ण कृपा के पात्र नहीं बन पाते हैं। तो दोस्तों माँ लक्ष्मी किन रूपों में आपके घर आती है, पहले ये हम जान लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आरोग्य दिवाली पर लक्ष्मी जी अपने 8 स्वरूपों के साथ आती है। महालक्ष्मी, कन्या, धन लक्ष्मी, धन वैभव, निवेश या फिर अर्थव्यवस्था, जो भी आपकी इकोनॉमी है वो आपकी इंक्रीज होगी। स्नातना लक्ष्मी, सौभाग्य, स्वास्थ्य, आयु और समृद्धि। धान्य लक्ष्मी, अन्न। गज लक्ष्मी, पशु और प्राकृतिक धन के रूप में। विजया लक्ष्मी, विजय के रूप में। विवीरा लक्ष्मी, विरोचित लक्ष्मी के रूप में। और धा लक्ष्मी, विद्या, ज्ञान, कला, विज्ञान के रूप में। तो इन रूपों में माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है। और इन 8 स्वरूपों का एकाकार जो पर्व है वो दीपावली महापर्व के रूप में हम मनाते हैं। यह जो त्योहार है प्रकाश पर्व, पुष्टि, प्रगति और परोपकार का प्रतीक माना जाता है। और दोस्तों दिवाली के अवसर पर देवी लक्ष्मी दिवाली की रात को कुछ खास ग्रहों को ही चुनती है, वहां अपने आगमन के विशेष संकेत भी देती है। तो किन ग्रहों को चुनती है माँ लक्ष्मी, वो भी आप जान लीजिएगा। मान्यता के अनुसार एक बार देवी रुक्मिणी, जिन्हें स्वयं लक्ष्मी का रूप माना जाता है, वे महालक्ष्मी से पूछती हैं कि देवी आप किस तरह के मनुष्यों पर कृपा करती हैं। इस पर देवी लक्ष्मी ने उत्तर देते हुए बताया कि जो मनुष्य अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है और जरूरत के अनुसार उचित शब्दों का ही प्रयोग करता है, उस पर मैं प्रसन्न रहती हूँ, ऐसा मनुष्य मेरी कृपा का पात्र होता है। दूसरे, जो व्यक्ति लोभ त्याग कर उदारता के साथ दूसरों की सहायता करता है, माँ लक्ष्मी कहती है कि मैं उस पर सदा कृपा करती हूँ। और तीसरे, क्रोध मनुष्य की बुद्धि का नाश कर देता है, ऐसे में क्रोध आने पर व्यक्ति उचित अनुचित का ज्ञान भूल जाता है। मान्यता है कि परिणाम स्वरूप वह ऐसा काम कर बैठता है जिससे घर आई लक्ष्मी भी रूठ जाती है। और चौथी जो बात है दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति आलस करता है और आज के काम को कल के लिए टालता रहता है, उस पर भी माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती है।
जो व्यक्ति अपनी शक्ति और संपत्ति के अहंकार में दिन रात डूबा रहता है, माना जाता है कि देवी लक्ष्मी लंबे समय तक उसके साथ नहीं रहती है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे व्यक्ति बताए गए हैं जिनके घर पर देवी माता का आगमन होता है। अब वो संकेत हम जानेंगे कि माँ लक्ष्मी आपके घर आई है या नहीं। और दोस्तों, ऐसा क्यों माना जाता है कि दिवाली की रात में माता लक्ष्मी आपके घरों में आती है, तो इसके पीछे भी एक कथा कही जाती है कि दिवाली की रात में, यानी कार्तिक महीने की अमावस्या की रात्रि में, जिसे देव दिवाली या प्रकाश पर्व भी कहा जाता है, तो दोस्तों इस पवित्र दिवाली की रात में मां लक्ष्मी अपनी बहन दरिद्रा के साथ पूरे भूमंडल पर विचरण करती हैं और वो घर घर जाकर देखती हैं, जहां पर भी उनको घर के परिवार के सदस्यों में प्यार प्रेम दिखाई देता है, साफ सफाई दिखाई देती है, वहां पर लक्ष्मी माता का विराजमान हो जाता है। लक्ष्मी माता उस घर को चुन लेती है और जहां पर भी गंदगी होती है, कोई साफ सफाई या चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी रहती है, गंदगी रहती है ऐसी जगह, और जिस घर के सदस्यों में बात बात पर बहस होती है, आपस में मन मुटाव रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है, उनके मतभेद रहते हैं, तो वहां पर दरिद्रा का वास हो जाता है। तो दोस्तों, यही मान्यता है कि माँ लक्ष्मी और दरिद्रता जब घूमते घूमते घरों को देखती हैं, हर घर में विचरण करती है, तो जहां पर भी देव पूजा हुई मिलती है, अच्छे से साफ सफाई मिलती है, घर के सदस्यों में प्यार प्रेम होता है, उस घर में लक्ष्मी माता रुक जाती है, और इसके विपरीत जहां भी स्थिति मिलेगी वहां दरिद्रता का वास हो जाता है। तो दोस्तों, ये माना जाता है देवी माता के आगमन के बारे में। और आइए अब हम उन संकेतों के बारे में जान लेते हैं जो आपको बताएंगे कि आपके घर में माता का आगमन हुआ है या नहीं। पहली बात दोस्तों, दिवाली के दिन यदि आपको घर में कहीं चुचुंदर दिख जाए तो यह माँ लक्ष्मी के आपके घर में आगमन का शुभ संकेत माना जाता है। दूसरी बात, दिवाली के दिन मकड़ी के जाले में अपना नाम बनता देखना भी माँ लक्ष्मी के आगमन का शुभ संकेत माना जाता है। तीसरी बात, माता लक्ष्मी का वाहन होने की वजह से उल्लू का दिखना भी इस दिन किसी चमत्कार से कम नहीं होता। और दिवाली की रात को यदि कहीं दीवारों पर छिपकली दौड़ती हुई दिख जाए तो इसको भी एक अच्छा सुगुण मानने के साथ ही माँ लक्ष्मी का घर में आगमन माना गया है। पांचवी बात है दोस्तों, दिवाली वाले दिन अगर कहीं घर में दो मुंह वाला सांप दिख जाए तो इसे लक्ष्मी माँ के आशीर्वाद से आपके धन की बढ़ोतरी का सूचक माना जाता है। और छठी जो बात है दोस्तों, दिवाली के समय मात्र सांप ही नहीं, अगर सांप की केचली भी आपको मिल जाती है तो आपके घर में धन की वृद्धि होती है और देवी लक्ष्मी के आगमन का इसे संकेत माना जाता है। सातवीं बात दोस्तों, दिवाली के समय बिल्ली की नाल का मिलना माँ लक्ष्मी के आगमन को दर्शाता है। और साथ ही ये माना जाता है कि ऐसा होने से आपको जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी। आठवीं जो बात है, दिवाली के दिन किसी भी जगह से अनचाहा धन मिलना भी यह बताता है कि धन की देवी आपके घर के द्वार पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, ये तो कुछ विशेष संकेत माने जाते हैं जिनसे आप जान पाएंगे कि लक्ष्मी माता का आगमन आपके घर हुआ है या नहीं। ये कुछ विशेष संकेत शास्त्र में कहे गए हैं। इसके अलावा दीपक के माध्यम से भी आप जान सकते हैं कि लक्ष्मी माता आपके घर पर आई हैं, उनका आगमन हुआ है या आपके व्यापार में तरक्की होने वाली है। तो ये सारे जो संकेत है, माँ लक्ष्मी का जो अखंड दीप आप जलाते हैं आपके घर के इस दिए से भी आप जान पाएंगे। इसके लिए दोस्तों हम वीडियो अलग से चैनल पर अपलोड करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ। जय माता दी।